आदिवासी को काम नहीं, आदिवासी को काम नहीं, आदिवासी की योजना नहीं, आधार कार्ड नहीं, रेशन कार्ड भी नहीं, रेशन कार्ड भी नहीं, रोजगार भी नहीं, विधवा को पगार नहीं, विकलांग को पगार नहीं, विकलांग को पगार नहीं, विधवा को पगार नहीं, महिला को रोजगार नहीं, गरीबों के रोजगार नहीं, नरेंद्र मोदी मिट्टी तेल भी नहीं, ये गरीबों की हालात है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इनको गरीबों के बारे में हमदर्दी नहीं है, ये गरीबों के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसे हम आज मान रहे हैं। आदरणीय मोदी जी साहब बोलते भी होंगे कि हम लोग सब साथ में है, लेकिन हम नहीं बोलते कि हम साथ, मोदी जी हमारे गरीब के साथ है। आदिवासी योजना कहाँ गई? आदिवासी कहाँ पे है? कौन सा आदिवासी है? कौन सा आदिवासी है? भूखा आदिवासी है, जो बेरोजगार है, भूमिहीन है, तड़प रहा है। सही तो बात ये कड़वी लगती है कि तत्कालीन गवर्नमेंट के राज में कम से कम हमें दिए हुए ज्ञापन का रिप्लाई लिखी में तो भी आता था, लेकिन इस राज में हमें आज तक किसी ज्ञापन का जवाब नहीं मिला। दीना उघाड़े अखिल भारतीय आदिवासी सेना संस्थापक प्रमुख, कहाँ से आए आप? दीना उघाड़े। दीना उघाड़े, ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है तो आप इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पे आए? जी जी। तो क्या किस लिए आए? कई सालों से ये पिछड़े समाज, आदिवासी समाज सरकार की योजना से वंचित है, जिस योजना को आज आदिवासी के योजना को आज भी लाभ नहीं मिला। जो आदिवासी है वो आदिवासी रह गया, जिसको जमीन नहीं है, खुद का मकान नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रोजगार नहीं है, जो सालों साल से ये सरकारी फॉरेस्ट जमीन करती है वो आज भी उनके नाम पे नहीं है। अन्न नहीं, अनाज भी नहीं, मकान भी नहीं, रोजगार भी नहीं। हमारी मुख्य मांगी ये है कि आज महाराष्ट्र में कई दिनों से गीला और सूखा दुष्काल हो रहा है, आज सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों को तुम्हारी जो बड़ी बड़ी योजना है उसको रद्द करके वो सहायता निधि इनके लिए खर्चा किया जाए, जो इनको सही तरीके से खड़ा रहने की हिम्मत मिले। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मकान भी नहीं, मकान भी नहीं। इस बात का आपने ज्ञापन या किसी को जानकारी दी है अभी तक? हाँ जी, दिए हैं। किसको? देश के पंत प्रधान जी को भी दिए, राष्ट्रपति को भी दिए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दिए, सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले साहब को भी दिए, रेल मंत्री को भी दिए। महिला के ऊपर अत्याचार है, महिला के ऊपर अत्याचार है, गरीब बेकार है, महिला बेरोजगार है, महिला बेरोजगार है। इन लोगों को ज्ञापन पत्र देकर भी आज के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया ज्ञापन दिए? अभी इनको तो कम से कम हम एक महीने पहले भी दिए और कई साल से भी देते आए। महाराष्ट्र बेकार है, आदिवासी को जमीन नहीं है, आदिवासी भूमिहीन है, आदिवासी भूमिहीन है, आदिवासी भूमिहीन है, आदिवासी को जरूर है, आदिवासी को जरूर है, आदिवासी को सहायता चाहिए, आदिवासी को मदद चाहिए, आदिवासी की योजना चाहिए, आदिवासी की योजना चाहिए, आदिवासी की योजना कहाँ गई, आदिवासी की योजना पैसा कहाँ गया, आदिवासी की योजना कहाँ गई? ना लिखित मिला, ना मुंह तोड़ जवाब, हमें कोई मिनिस्टर का दर्शन ही नहीं हुआ अभी तक। तो आपने उसका रिमाइंडर दिया फिर दोबारा? बहुत बार किया। रेशन कार्ड भी नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, आधार भी नहीं है, आधार भी नहीं है, आधार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, महिला बेरोजगार, महिला बेरोजगार है, गरीब गरीब है, गरीब गरीब है। मोदी जी का कहना है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, आप अविश्वास की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो हम अपने पुरावा के साथ बोल रहे हैं जो आए हो जनता के सामने। अगर मोदी जी हमारे साथ रहते तो हम चिल्लाते नहीं थे उनके खिलाफ। अगर मोदी जी सही तरीके से गरीब जनता के साथ होते तो 10 पट गरीब जनता ने उनको उठा के रखा होता। आज का ये गवर्नमेंट को अखिल भारतीय आदिवासी सेना का आखिरी इशारा ज्ञापन रहेगा। अगर इस ज्ञापन पत्र में हम राष्ट्रपति जी,
प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन पत्र दे रहे, आदरणीय आठवले साहब को भी दे रहे हैं। अगला जो आंदोलन है हम इस तरीके से करेंगे कि जिसका उनके ऊपर असर होगा वो कभी जिंदगी में किसी ने आंदोलन नहीं किया, वो आंदोलन के बारे में हम जल्द से मीटिंग लेंगे और आंदोलन की दिशा बनाएंगे। धान नहीं, धान नहीं, नंदा भाई नंदा भाई, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं।